यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, पर्यावरण अध्ययन में रीट में राजस्थान का जीके आपसे पूछा जाता है, राइट? तो वही चीज़ें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। राजस्थान के जीके के 101 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक टारगेट रखा गया है। जैसे कि आप सभी का एग्जाम आने वाला है, तो 25 दिन में हम लोग यहाँ पर 25 क्लासेस कंप्लीट करेंगे। हर एक सीरीज़ के अंदर हम लोग टारगेट करेंगे कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करें, तो आपके जो 2500 क्वेश्चन है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि कंप्लीट रिवीजन आपका यहाँ पर हो पाए, ठीक है? तो आज हम लोग डे वन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 101 तक, ठीक है? ये क्विक रिविज़न रहेगा। यदि आप इसका पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। यदि आप इसके नोट्स भी बाय करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7708038 40। इस पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आपके CDP के कंप्लीट नोट्स प्लस वीडियो बैच अवेलेबल है, आपके EVS के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, मैथ्स पैडागोजी कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। तो किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करने के लिए आप सेम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओदिया क्या होता है, ओदिया के बारे में आपको बताना है। ये एक प्रकार का प्रवासी पक्षी है। सेकेंड ऑप्शन है, झीलों के किनारे बने जो विश्राम गृह होते हैं उन्हें ओदिया बोला जाता था। अभ्यारण्यों में जो अवलोकन स्तंभ बनाए जाते हैं उन्हें ओदिया बोला जाता है। ये सदाबहार वनों का एक वृक्ष होगा, उसे बोला जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अभ्यारण्यों के अंदर जो अवलोकन स्तंभ बनाए जाते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आप कोई भी नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जीवों को देखना होगा, ठीक है? तो यदि आप उन्हें पास से देखना चाहते हैं, तो वो आपको नुकसान ना पहुँचाए, आपके ऊपर आक्रमण ना कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं, उन अवलोकन स्तंभ के अंदर जाकर उन्हें आप पास से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत जीवों को पास से देखने के लिए अवलोकन स्तंभ बनाए जाते हैं, जिसे पुराने समय में ओदिया के नाम से जाना जाता था। तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हुआ, ओदिया क्या होता है, अभ्यारण्यों में जो अवलोकन स्तंभ बनाए जाते हैं जो वहाँ के जीवों को देखने के लिए होते हैं, ठीक है? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? जो बूंदी राजमहल में जो चित्रशाला का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, तो ये कौन सी चित्रशाला है, किसकी देन है? महाराव राम सिंह की, उम्मेद सिंह की, किशोर सिंह की, या फिर छत्रसाल की देन है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, महाराव उम्मेद सिंह की देन है बूंदी राजमहलों की चित्रशाला, ठीक है? चलिए, आज बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग चित्रशाला के कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके चित्रकला से रिलेटेड जितने भी क्वीज बनती है और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन है? ये आपकी बनी ठनी चित्रकला है, इसे मोनालिसा भी बोला जाता है, ठीक है, राजस्थान की मोनालिसा, ठीक है? तो बनी ठनी जो चित्र के चित्रकार अमरचंद है, निहाल चंद है, नेकचंद है, या फिर राज सिंह है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार की चित्रकारी से आपके 2 से 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये कौन से राजवंश को बिलोंग करती है, किसने बनाई है, किसने इसे मोनालिसा नाम दिया है, तो कुछ प्रश्न आपके अराइज हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। आप थोड़ा सा यहाँ पर इसका डिटेल देख लें। सारे यदि आप डिटेल में नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, इस पर आपको थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो बनी ठनी जो चित्र के चित्रकार हैं वो आपके निहाल चंद हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निहाल चंद जो हैं इस चित्र के चित्रकार हैं, ठीक है? इनका पूरा नाम है मोर ध्वज, आपको ये नाम भी दिख सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। मोर ध्वज निहाल चंद जो हैं बनी ठनी चित्र के चित्रकार हैं। अब ये कौन से शासक के शासन में आई थी, या कौन से शासक के शासनकाल में इसे बनाया गया था? तो किशनगढ़ के शासक थे, ये थे आपके किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह करके, ठीक है? किशनगढ़ के शासक कौन है, सावंत सिंह। इन्हीं के दरबार में रहते थे मोर ध्वज निहाल चंद, ठीक है? इन्हीं के दरबार में मोर ध्वज निहाल चंद होते थे, जिनके द्वारा इस चित्रकारी को बनाया गया है। फिर अब इसको मोनालिसा नाम किसने दिया होगा, तो फिर एक डिक्सन है, ठीक है, वो इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। डिक्सन ने ही इसे मोनालिसा नाम यहाँ पर दिया था। तो किशनगढ़ के शासक है सावंत सिंह, ठीक है, ये इनका नाम है सावंत सिंह। इन्हीं के दरबार में है मोर ध्वज निहाल चंद करके, ये वाले मोर ध्वज निहाल चंद करके, तो इन्होंने इस चित्रकारी का निर्माण किया है, और इसी को एरिक डिक्सन जो है उन्होंने यहाँ पर मोनालिसा बोला था, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और पूछी जा सकती है, किशनगढ़ के जो शासक है इनका एक नाम और है, इनका एक नाम और है नागरीदास करके, ठीक है? इनका एक नाम और नागरीदास है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, जब इनका समय कंप्लीट हो चुका था, मतलब ये कृष्ण लीला में अपना शासन करने के बाद कुछ समय पश्चात ये कृष्ण लीला में बहुत ही लीन हो गए थे, तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके नागरीदास कर लिया था।
तो सावंत सिंह का एक नाम और नागरी दास है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रसिद्ध बनी ठनी चित्रकला जिसे मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है वो किसके शासनकाल में थी, वो सामंत सिंह आपसे बोल सकता है, वो नागरी दास आपको बोल सकता है। ठीक है, जैसा प्रश्न बनेगा वैसा आप यहाँ पर आंसर कर देंगे। फिलहाल के लिए यदि हम लोग आंसर करें बनी ठनी चित्र के चित्रकार यहाँ पर निहाल चंद है, मोर ध्वज निहाल चंद। चित्रकला की किस शैली में पक्षी और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, बूंदी शैली, नाथद्वार शैली, किशनगढ़ शैली या फिर बीकानेर शैली के अंदर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, बूंदी शैली के अंदर आपको पक्षी और जानवरों के चित्र मिल सकते हैं। चित्रकला की 5 अलग अलग कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी में आप देख सकते हैं पशु पक्षियों के चित्र, मतलब आप उस चित्रकारी में क्या क्या देख सकते हैं, पशु पक्षियों के चित्र देख सकते हैं। एक प्रकार की वो चित्रकारी होती है जिसमें आपको शिकारी दृश्य देखने को मिल सकते हैं, और भी चित्रकारी होती है जिसमें आपको दरबार का दृश्य देखने को मिल रहा है, महाराजा अपना डिसीजन ले रहे हैं, प्रजा उसको सुन रही है, तो दरबार के दृश्य हो सकते हैं। नारी दृश्य का आपको वर्णन मिल सकता है, जैसे कि आपने अभी देखा बनी ठनी या मोनालिसा, आपको नारी दृश्य का वर्णन बताया जाएगा। और कुछ में धार्मिक ग्रंथों का वर्णन भी मिल सकता है, जैसे कि प्रतीकमण हो गया, बहुत सारे ऐसे धर्म सूत्र हैं जिसको पूरा यहाँ पर चित्रकारी करके दिया गया है, तो आपको धार्मिक ग्रंथों का वर्णन मिल सकता है। तो चित्रकारी 5 टाइप की हो सकती है जिसमें आपको पशु पक्षी के दृश्य, शिकारी दृश्य, दरबार के दृश्य, नारी दृश्य और धार्मिक ग्रंथों की चित्रकारी मिल सकती है। ठीक है, चित्रकारी इन द सेंस की किस प्रकार के सूत्र को कैसे किया जाता है, खड़े होकर बैठ कर कैसे किस मुद्रा में किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको चित्रकारी रूप में मिल सकती है। राइट, तो पशु पक्षी और जानवरों की शैली आपको मिलेगी बूंदी शैली के अंदर। और ये कौन से स्कूल को बिलोंग करती है, चित्रकारी में 4 अलग अलग प्रकार के स्कूल होते हैं। कौन सा स्कूल होता है, एक मेवाड़ स्कूल होता है, एक होता है हमारा मारवाड़ स्कूल। ठीक है, मेवाड़ स्कूल होता है, मारवाड़ स्कूल होता है, एक ढूढ़ाड़ स्कूल होता है। ठीक है, और एक होता है हाड़ोती स्कूल। ठीक है, तो जो बूंदी शैली है वो किसको बिलोंग करती है, बूंदी शैली बिलोंग करती है हाड़ोती स्कूल को। ठीक है, तो चित्रकारी में पशु पक्षी और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान आपको बूंदी शैली के अंदर देखने को मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकार शैली से संबंधित नहीं है, जिसने बीकानेरी चित्रकारी शैली में अपना योगदान नहीं दिया है? ठीक है, वो आपको बताना है। अच्छा, बीकानेरी जो चित्रकला है वो कौन से स्कूल को बिलोंग करती है, तो वो मारवाड़ स्कूल को बिलोंग करती है। इस पर हमने एक थ्योरी क्लास भी करी थी जिसमें हमने स्कूल्स के बारे में देखा था, तो आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर भी विजिट कर सकते हैं यदि आपको ये सारे स्कूल्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। बीकानेरी चित्रकला बिलोंग करती है मारवाड़ शैली को, मारवाड़ स्कूल को। ठीक है, इसमें कौन से संबंधित नहीं है, कौन सा व्यक्ति, तो शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, मनोहर या फिर अली राजा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मनोहर जो यहाँ पर है वो बीकानेरी शैली से संबंधित नहीं है, बाकी सारे व्यक्ति तो यहाँ पर बीकानेरी शैली को बिलोंग करते हैं, बीकानेरी चित्रकला को यहाँ पर बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन सी चित्र शैली में पंचतंत्र का अंकन आपको मिल सकता है, बूंदी शैली, कोटा शैली, मारवाड़ शैली या ढूढ़ाड़ शैली में आपको इसका वर्णन मिल सकता है? किसका, कौन सी चित्र शैली में आपको पंचतंत्र देखने को मिल सकते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ शैली के अंदर जो है आपको पंचतंत्र का चित्र देखने को मिल सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, चित्रकला के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो आपको बताना है। सालीग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं, मतलब ये तीनों जो व्यक्तित्व है ये तीनों के तीनों अलवर शैली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की, अगले स्टेटमेंट की यदि बात करें तो आला गीला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है आमेर के अंदर हुआ था, रघुनाथ, डालू और गोविंदराम जो है कोटा शैली को बिलोंग करते हैं, और चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर शैली से। तो इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट क्या लग रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, क्योंकि चोखेलाव जो महल है वो बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है, ये मारवाड़ शैली से संबंधित है। राइट, तो बाकी सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, लेकिन ये वाला गलत है क्योंकि ये आपका बिलोंग करता है मारवाड़ शैली से, बाकी सारे आपके बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट भी आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों व्यक्ति तो अलवर शैली के कलाकार में काउंट होते हैं। ठीक है, जो ढूढ़ाड़ स्कूल के अंदर आती है। दूसरा स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि आला गीला पद्धति आमेर से शुरू हुई थी, ये तीनों के तीनों कोटा शैली के हैं। ठीक है, तो ये आपका हाड़ोती स्कूल से बिलोंग करती है, जो कोटा शैली है वो आपकी हाड़ोती स्कूल को बिलोंग करती है, और चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर शैली से यहाँ पर नहीं है, ये आपकी मारवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, निम्न सभी शैलियाँ ढूढ़ाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय, मतलब ढूढ़ाड़ चित्रकला स्कूल जो है उसके अंतर्गत कौन सी शैली नहीं आती, क्योंकि आपसे पूछा गया सिवाय, मतलब एक्सेप्ट आपको बताना है। बूंदी शैली, आमेर शैली, जयपुर शैली या फिर उनियारा शैली,
करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो बूंदी शैली है वो हाड़ोती स्कूल को बिलोंग करती है, राइट। ये हाड़ोती स्कूल से आती है, लाइक आपको बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली पूछ लिया जाता तो सारे के सारे आपके आंसर क्या हो जाते, हाड़ोती शैली के हो जाते। लेकिन आमेर शैली, जयपुर शैली और उनियारा शैली जो है आपकी ढूंढार शैली से बिलोंग करती है। आमेर हो गया, जयपुर हो गया, उनियारा जैसे दिखा हुआ है, शेखावटी हो गया, ठीक है, अलवर हो गया, ये सारी की सारी आपके कौन से स्कूल को बिलोंग करती है, ढूंढार स्कूल को। आप चाहे तो इसको एक बार लिख लो, आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली, शेखावटी शैली और एक और नाम अभी हमने देखा शेखावटी के अलावा जो अलवर शैली है, ये सारी की सारी ढूंढार स्कूल को बिलोंग करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि क्या है, मारवाड़, आम्बेर, शेखावटी या फिर मेवाड़। मतलब राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। जो जन्म माना जाता है, जो जन्मभूमि मानी जाती है, वो मेवाड़ शैली को माना जाता है, तो ये मेवाड़ शैली जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मेवाड़ शैली जो है राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है, क्योंकि इसी में उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड हो गया, देवगढ़ हो गया, शाहपुरा हो गया, सारी जो शैली है आपको चित्रकला की वो आपको मेवाड़ के अंदर ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन थे, 18वीं शताब्दी की बात करेंगे, साहिब राम, रामजी दास, राम गोपाल या फिर हीरानंद। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, साहिब राम, राइट, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जयपुर के प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार इन्हें माना जाता था, कौन सी शताब्दी के, 18वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न देखेंगे, जो मारवाड़ चित्रकला है, क्या पूछा गया है, मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं है, अमरदास, किशनदास, गंगाराम या फिर कालूराम। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगाराम जो है आपकी मारवाड़ चित्रकला शैली के अंदर नहीं आते, बाकी अमरदास हो गए, किशनदास हो गए और कालूराम हो गए, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये चित्रकारों की मारवाड़ चित्रकला के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, निम्नांकित चित्रकारों में से चित्र शैली उप शैली से सुमेलित कीजिए और उनका सही कूट आपको यहाँ पर चयन करना है। मतलब ये शैली और उसके चित्रकार के नाम आपको यहाँ पर मिलाने हैं, तो थोड़ा समय आप यहाँ पर ले सकते हो और आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपके तिजारा शैली, उप शैली हो गई, अलवर हो गई, जयपुर हो गई और किशनगढ़ हो गई, और इनके चित्रकार को आप अरेंज करेंगे और बताएंगे आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखो तिजारा जो है इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो कोड अरेंज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 3-1-2-4, क्योंकि तिजारा जो शैली है इसके कौन है, नंदराम जमुना दास है, ठीक है। तो ये आपका बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर वाला, नंदराम और जमुना दास तिजारा शैली को बिलोंग करते हैं। अलवर शैली की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो अलवर शैली से बिलोंग करते हैं बलदेव और गुलाम अली, अलवर से बलदेव और गुलाम अली, ठीक है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1। जयपुर शैली की यदि बात करें तो साहिब राय और मोहम्मद शाह जो है ये अपने जयपुर शैली से बिलोंग करते हैं, और किशनगढ़ शैली से डायरेक्टली सामने लिखा हुआ है मूलराज और भीकचंद जो है वो किशनगढ़ शैली को बिलोंग करते हैं। चाहे आपको इसमें से एक या दो भी पता होते तो आप आसानी से यहाँ पर कोड अरेंज कर पाओगे, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 3-1-2-4, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। जो चीज़ आपको लग रही है लाइक इसमें आपको चीज़ें याद रखने की ज़्यादा है तो आप साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, है ना, ताकि आपको यदि लिखना है तो आप बाद में इसको अच्छे से लिख सकते हो, है ना, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्रतीकमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है, प्रतीकमण चूर्णी बेसिकली जैन धर्म का ग्रंथ होता है, जैसे गीता होती है ना, रामायण होती है, वैसे प्रतीकमण चूर्णी भी होता है। तो ये कौन सी शैली में आया था, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ोती शैली या फिर ढूंढार शैली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ये मेवाड़ शैली से संबंधित है, क्योंकि बेसिकली जो मेवाड़ शैली है ना इसमें आपको मोस्टली धार्मिक ग्रंथों की ही चित्र शैलियाँ मिलेगी, तो प्रतीकमण चूर्णी जो है आपकी मेवाड़ शैली से संबंधित है और राजस्थान की जन्मभूमि भी इसी शैली को माना जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों को, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करते हैं, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया, ये जो रागमाला चित्रांकन है किसके द्वारा चित्रित किया गया था, नसीरुद्दीन, शफी मोहम्मद, श्री रंगधर के द्वारा या बिशनदास के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा, नसीरुद्दीन के द्वारा इसे पूरे तरीके से, पूरी की पूरी जो रागमाला है उसका चित्रांकन किया गया था, चित्रों के माध्यम से उसे प्रदर्शित किया गया था, ठीक है, पूरे ग्रंथ को। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, नसीरुद्दीन के द्वारा।
चित्रकला शैली बनी ठणी किससे संबंधित है? सतवंत प्रसाद से, नागरीदास से, मृगावती से, शिव पार्वती से। आपको अभी अभी याद है हमने पढ़ा था सावंत सिंह के जो दरबार में, किशनगढ़ के जो सावंत सिंह है उन्हीं के दरबार में जो मोर ध्वज निहाल चंद करके थे उन्होंने बनी ठणी को बनाया था। तो अब इसमें आपको कहीं से कहीं तक कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था किशनगढ़ के जो शासक थे सावंत सिंह, वो कृष्ण लीला में लीन हो गए थे, कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे, फिर उन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया था, नागरीदास कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जो इतिहास है वो यहाँ पर हेल्प करेगा जब थोड़े से क्वेश्चन आपसे डीप में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, ढोला मारू की शैली कौन सी है? जोधपुर है, अजमेरी है, बीकानेरी है या फिर किशनगढ़ है? कि आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, ये आपके जोधपुरी शैली से यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कौन सी शैली से कनेक्टेड है, जोधपुर शैली से। और स्कूल की यदि बात कर लिया जाए कि ये कौन से स्कूल को बिलोंग करता है, तो ये मारवाड़ स्कूल को बिलोंग करता है, मतलब मारवाड़ स्कूल के अंदर हमारी जोधपुरी चित्रकला आती है और ये ढोला मारू जो है उसी से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दुगारी चित्र शैली किससे संबंधित है? बीकानेर नाथद्वारा, जोधपुर या बूंदी से संबंधित है। टोटल हम लोगों ने आई थिंक 2 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके चित्र शैली से, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होगा। 17 को देखेंगे, दुगारी चित्र शैली जो है आपकी बूंदी चित्रकला से संबंधित है, और बूंदी चित्रकला आती है आपकी हाड़ौती स्कूल के अंदर। कभी कभी आपको चित्र शैली ना देते हुए आपसे स्कूल के बारे में पूछ लिया जाए तो आप वो भी देख सकते हैं। दुगारी चित्र शैली आपको बूंदी चित्रकला के अंदर देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? पुंडरीक ने, मीरबख्श ने, वीरजी ने या फिर साहिब राम ने? तो 18 की यदि बात करें तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। मारवाड़ शैली में रागमाला जो चित्रावली बनी थी वीरजी के द्वारा वापस इसका 1623 में चित्रांकन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? जयपुरी चित्रकला की बात हो रही है, मतलब ढूढ़ाड़ स्कूल की बात हो रही है ना, जयपुर तो उसी के अंदर आता है, ढूढ़ाड़ स्कूल के अंदर। सवाई जैन सिंह, ईश्वर सिंह, मान सिंह या प्रताप सिंह को माना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सवाई प्रताप सिंह को यहाँ पर इसका स्वर्णकाल का जो शासक है, मतलब इस समय जिनका शासन चल रहा था वो कौन है? तो सवाई प्रताप सिंह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 की तरफ बढ़ेंगे, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासक काल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, मिहिर भोज, राजसिंह या राजा भोज के शासन में? महामारू शैली का जो प्रचलन हुआ था वो हुआ था गुर्जर प्रतिहार के वंश में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश में ये प्रथा स्टार्ट हुई थी। चावंड शैली की चित्रकला जो है किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह द्वितीय या राज सिंह के शासनकाल में? तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, राणा प्रताप के शासनकाल में, स्वर्णकाल में। ठीक है, तो राणा प्रताप आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निहाल चंद किस चित्र शैली के चित्रकार हैं? बूंदी, किशनगढ़, जयपुर या मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं? तो निहाल चंद का आंसर आप लोग यहाँ पर क्या करके आएंगे, किशनगढ़ शैली के, क्योंकि आपने देखा था किशनगढ़ के जो शासक हैं सावंत सिंह थे, नागरीदास जी ने आप बोल सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के दरबार में थे हमारे निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठणी को बनाया था, है ना, मोनालिसा को बनाया था। तो ये किशनगढ़ शैली के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से स्कूल को बिलोंग करती है? तो किशनगढ़ शैली आपकी मारवाड़ स्कूल को यहाँ पर बिलोंग करती है। ठीक है, आगे बात करते पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली किशनगढ़, बूंदी, जयपुर या मेवाड़? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा बूंदी बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आई थिंक 2nd क्वेश्चन हमने यही किया था, पशु पक्षियों को महत्व कौन सी शैली के अंदर दिया गया, बूंदी शैली के अंदर दिया गया, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मेवाड़ चित्रकला शैली जो है किससे संबंधित है? मेवाड़ की जो चित्रकला शैली की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये गीत गोविंद से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, मेवाड़ की जो चित्रकला है जिसमें आप भगवान और जो धार्मिक ग्रंथ है इन सबका चित्रांकन देख सकते हैं, तो ये गीत गोविंद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। निहाल चंद किसके दरबारी कवि थे? सावंत सिंह के दरबारी कवि थे, है ना, और ये कहाँ के शासक थे? ये शासक थे आपके किशनगढ़ के। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम इन्होंने चेंज करके खुद से नागरीदास कर लिया था। ठीक है, किशन सिंह, गलती से मत करके आ जाना, ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, सावंत सिंह। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्र शैली कौन सी है? कांगड़ा और ब्रज शैलियों से कौन सी शैली आपको देखने को मिल सकती है? नाथद्वारा, किशनगढ़, जोधपुर या फिर उदयपुर? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शैलियों में इनका प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब यदि आप किशनगढ़ शैली की बात करेंगे
तो उसमें आपको ये शैलियाँ भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इन्हीं से प्रभावित होकर किशनगढ़ शैली का जन्म हुआ है, हम लोग ऐसा इसको बोल सकते हैं। और रुकनुद्दीन, शहादीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? क्या ये किशनगढ़ शैली इनके द्वारा बनाई गई है चित्रकला, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, आमेर शैली? क्या यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर? ये सारे के सारे कनेक्ट है हमारे बीकानेर शैली से, ठीक है, जो कि आपके किसको बिलोंग करती है, मारवाड़ स्कूल को बिलोंग करती है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ, गीत गोविंद, रागमाला, जयानक विजय या फिर सावक पद्दिक मनासूत्र चुन्नी? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सावक पद्दिक मनासूत्र जो चुन्नी है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ आपको यही देखने को मिलेगा मेवाड़ शैली के अंदर, ठीक है, ये धर्म ग्रंथ है अपना। चलिए आगे बात करेंगे 29 की, बड़ी ठंडी पेंटिंग किस चित्र शैली से कनेक्टेड करती है? हमने अभी देखा था किशनगढ़ शैली को बिलोंग करती है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा निर्मित है। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? राव सुरजन ने, महाराव राज उम्मेद सिंह ने, अनिरुद्ध सिंह ने या फिर राजा बुद्ध सिंह के द्वारा इसे करवाया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजा बुद्ध सिंह के द्वारा जो है बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। ओके, 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब कुछ संगीत और लोकगीत से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का शीर्षक के स्थान का नाम है। तो ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये रावण हत्ता की है और ये एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं क्या है, वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है। तो इसका नाम ही रावण हत्ता यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रावण हत्ता क्या है, तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। राजस्थान में भाट जाति का प्रमुख कार्य क्या होता है? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना, उत्सव पर ढोल बजाना, शादी के अवसर पर गीत लिखना या उत्सव पर नाच करना? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर वन, यानी कि इसका जो कार्य होता है विभिन्न परिवार की जो वंशावली है उसका अभिलेख करना कि किस वंश ने क्या कार्य किया था, उसके आगे वाले वंश ने क्या परिवर्तन किया, क्या नया लेकर आए। तो ये पूरी वंशावली का अभिलेख करती है कौन सी जाति, यहाँ पर भाट जाति है ना। अगला प्रश्न देखना, केसरिया बालम आवोनी पधारोनी म्हारे देश, इसको कौन से राग में प्रसिद्धि मिली थी, मतलब ये कब फेमस हुआ था, जब इसको किस राग में गाया गया था, मांड में, भोपाली में, दादरा में या फिर पीलू में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, जब इसे मांड राग में गाया जाता है। आपने भी सुना होगा इसके नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ये मांड शैली में सबसे अधिक, मांड राग में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे, आंसर करेंगे। शेखावटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डूंगर जी जवाहर जी के बलिदान की स्मृति में गाया जाने वाला गीत पछीड़ा, पूर्वीय, जोरावा या फिर छावली गीत? तो इनकी बोल सकते हैं कि इनकी ख्याति के लिए, डूंगर जी जवाहर जी के बलिदान के लिए यहाँ पर गाया जाने वाला गीत छावली गीत होता है। ये सारे गीत जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसको आप यदि देखेंगे तो यूट्यूब पर आपको सारे ही मिल जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सुना नहीं सकती, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, छावली गीत यहाँ पर गाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 35 को देखेंगे। राजस्थान के लोक गीतों को किस भारतीय ने जन समुदाय की आत्मा के नाम से संबोधित किया, जिसके आधार पर जन समुदाय में एक नया संचार जागृत होता है, ठीक है। जन समुदाय की आत्मा किसने बोला था, किसको? लोकगीतों को, मतलब लोकगीत ही भारतीय की जन समुदाय की आत्मा होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या फिर महात्मा गांधी ने? करेक्ट आंसर जो होगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे जन समुदाय की आत्मा कहा गया। और ऐसे बना जाए कि किसको कहा गया, तो फिर आप आंसर करेंगे लोकगीतों को कहा गया है, क्योंकि पुराने समय की हमें याद दिलाते हैं। मोहन वीणा के निर्माता कौन है? मोहन वीणा किसके द्वारा बनाई गई है? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? बिस्मिल्ला खां, शिव कुमार, विश्व मोहन भट्ट या जसराज के द्वारा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा यहाँ पर जो है मोहन वीणा को निर्मित किया गया है। मूमल क्या होता है? आई थिंक आपने मूमल और एक राजा महेंद्र चंद है, राणा महेंद्र चंद, इनकी कहानी सुनी होगी, ठीक है। इनकी प्रेम कथा है, ये राजकुमारी मूमल है और एक राणा महेंद्र चंद होते थे, उनकी प्रेम कथा काफ़ी प्रचलित है। तो ये एक प्रकार का लोक नृत्य है, लोकवाद्य है, लोकगीत है या फड़ी हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का लोकगीत है, ठीक है। ये जब मूमल जो है राजा से मिलने जाती है तो उनकी पूरी प्रेम कथा का वर्णन इस लोकगीत के माध्यम से यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ये चलता है, महाली, मरसालेरी, मूमर, हालोनी, ए आली रेदेले, इस तरीके से एक लोकगीत है ये, पूरा मूमल है, ठीक है। तो ये मूमल की बोल सकते हैं एक लोकगीत है, उनकी प्रेम कथा के बारे में यहाँ पर
बात की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार का जो निर्माण किया गया था, इसका श्रेय आप किसे देंगे? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल को, महाकवि सोमनाथ को, श्रीधर व्यास को, या फिर कृष्णानंद व्यास को देंगे? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन, यानी देवर्षि भट्ट ब्रजपाल को यहाँ पर इसका श्रेय दिया जाता है इसको बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 39 आपकी स्क्रीन पर है। पावड़ा जो लोकगीत है किस अवसर पर गाया जाता है? इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि आप घूमर जो जितने भी प्रकार के लोकगीत हो गए, लाइक मूमल हो गया तो कब आप गाएंगे, है ना, इसी प्रकार से और भी कई प्रकार के विरह गीत होते हैं तो कब कौन सा गाया जाता है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी आपसे पूछा गया पावड़ा लोकगीत जो है कब गाया जाता है? शादी के अवसर पर दुल्हन की बहन गाती है, नए दामाद जब ससुराल में आते हैं तो स्त्रियां गीत गाती है, राजस्थान की महिलाओं के द्वारा सगुण भक्ति पर गीत गाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब भी नए दामाद ससुराल आते हैं तो वहाँ पर स्त्रियाँ उनके स्वागत में पहली बार इस गीत को गाती है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, इसे बोला जाता है पावड़ा। चलिए आगे बात करेंगे, वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य जो है तार वाद्य है? रावण हत्ता, अलगोजा, सतारा, या फिर झांझ? तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? जो रावण हत्ता होता है एक प्रकार का हमारा वाद्य यंत्र होता है, तो करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर परियोजना के करेंगे, कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम हो सकती है? चंबल नदी, माही बाजार सागर परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना? ठीक है, तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? कौन सी परियोजना जो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नर्मदा नदी या नर्मदा घाटी परियोजना आप इसे यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, जाखम बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम बांध जो है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर वन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसे शॉर्ट में IGNP के नाम से भी जाना जाता है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली IGNP पूछ ले, तो वही इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसे पेयजल नहीं पहुंचाया जा सकता, मतलब किस स्थान पर इन चारों में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का फ़ायदा नहीं होगा? बीकानेर को, जोधपुर को, पाली को, बाड़मेर को? तो यहाँ पर पाली को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा, क्योंकि जो IGNP परियोजना है ना, ये शुरुआत इसकी होती है हनुमानगढ़ से, इससे देख लें आप, इससे कई प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे GK की दृष्टि से। हनुमानगढ़, चूरू, है ना, स्टेप बाय स्टेप याद करते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर जो कि आपके ऑप्शन में भी था, बीकानेर के बाद हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जोधपुर, जोधपुर के बाद हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं नागौर, ठीक है, नागौर के बाद हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जैसलमेर। ये बिल्कुल हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कैसे पानी पहुँचता है, फिर बाड़मेर, और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर बाड़मेर तक जो है पूरा सिंचाई के लिए इसको पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो हनुमानगढ़, चूरू हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इन 7 स्टेट तक यहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है जिसके अंदर पाली का नाम नहीं आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित चीला युग्म कौन सा है? मतलब कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है इसके द्वारा कौन सा जिला यहाँ पर लाभान्वित होता है? बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, यही जो परियोजना अभी हमने देखी ना IGNP, इसका एक हिस्सा जो है कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, जो कि बीकानेर और गंगानगर को पानी पहुँचाता है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग लिफ्ट परियोजना है IGNP के अंदर, जिसमें से एक का नाम है कंवर सेन लिफ्ट परियोजना, जो कि बीकानेर और गंगानगर को पानी की पूर्ति करवाता है, तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है, चलिए पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्या आंसर यहाँ पर होगा? मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा? 45 नंबर का प्रश्न, उदयपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उदयपुर को यहाँ पर पानी की पूर्ति करवाई जाती है मानसी वाकल परियोजना से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे, चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इस पर मतलब बांध कौन सा है? जवाहर सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर बांध, या राणा प्रताप सागर बांध? तो चंबल घाटी परियोजना पर आपको कौन सा बांध दिखेगा? गांधी सागर बांध दिखेगा। हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है। इंदिरा गांधी जो नहर है इसका अंतिम छोर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर या फिर जालोर के अंदर? तो क्या आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा? बाड़मेर जो है यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट होगा। हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्ट किया था हनुमानगढ़ से, फिर हम लोग चूरू गए, फिर हम लोग बीकानेर गए, फिर हम लोग जोधपुर गए, है ना। जोधपुर के बाद हम लोग नागौर गए, नागौर के बाद हम लोग जैसलमेर गए, और उसके बाद हम लोग आ गए बाड़मेर पे, है ना। तो ये बाड़मेर ही हम लोग बोल सकते हैं लास्ट पॉइंट होगा, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो हम लोग हनुमानगढ़ बोल देंगे, है ना। हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है? जो बीसलपुर परियोजना चलती है उसका लाभ किसको प्राप्त नहीं होगा? टोंक को, सवाई माधोपुर को, अजमेर को या फिर जयपुर को? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? तो सवाई माधोपुर को इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, बाकी सबको इसका लाभ, पानी का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो बीसलपुर परियोजना सवाई माधोपुर तक नहीं पहुँचती है। कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है गांधी सागर से, इसको कहाँ से पानी मिलता है? माही बजाज से, जाखम बांध, प्रतापगढ़ जिला या जवाई बांध से इसे यहाँ पर मिलता है पानी? तो कहाँ से ये जल ग्रहण करता है? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? माही बजाज सागर बांध से, जो कि गुजरात और राजस्थान की कॉमन परियोजना है, ठीक है। तो माही बजाज सागर बांध से कागदी पिकअप पानी ग्रहण करता है। भीम सागर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है? श्रीगंगानगर में, अलवर में, कोटा में या झालावाड़ में? तो भीम सागर स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़ में। और आपने देखा होगा झालावाड़ के अंदर ही आपकी काली सिंध परियोजना भी है, ठीक है, कुछ कॉमन परियोजना है। तो भीम सागर स्थित है आपका झालावाड़ में और काली सिंध परियोजना भी झालावाड़ में। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ सिंचाई परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है? कुओं व नलकूपों के माध्यम से, नहरों के द्वारा, तालाब के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो जल सिंचाई की जाती है ऑप्शन नंबर वन, कुओं और नलकूप के माध्यम से यहाँ पर करी जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना किसका उपक्रम है? तो अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे इसको। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरियाणा राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात व राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुजरात व राजस्थान की एक संयुक्त उपक्रम, संयुक्त परियोजना इसको बोला जा सकता है। मुहाने से उद्गम की ओर, मतलब शुरुआत से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का क्रम, मतलब शुरुआत से लेकर जब चंबल नदी बनती है तो उस पर कौन कौन से बांध है उनको आपको लाइन से अरेंज करना पड़ेगा। जवाहर सागर, राणा प्रताप, गांधी सागर, या पहले जवाहर फिर गांधी फिर राणा प्रताप पहले गांधी, मतलब इसको यहाँ पर शफल किया हुआ है। आपको सही आंसर बताना है कि शुरुआत से लेकर कौन से यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहला ही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले आपको जवाहर सागर बांध मिलेगा, फिर राणा प्रताप सागर बांध मिलेगा, फिर आपको गांधी सागर बांध मिलेगा। हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल आपका सेट है, ठीक है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, आप चाहें तो इसे ट्रिक से याद कर लो, GRG कर लो आप इसको, है ना, इस तरीके से याद कर लो। चलो आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाड़ी बनाना, खड़ीन बनाना, तालाब बनाना या टोबा बनाना? तो कौन सी विधि यहाँ पर नहीं हो सकती है? यस, आंसर करेंगे, क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? तो तालाब एक नेचुरल है, बाकी आप नाड़ी बनाकर इस प्रकार से ना ब्लॉक्स बनाकर, खड़ीन बनाकर या टोबा बनाकर आप पानी को यहाँ पर संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है, बाकी तालाब नहीं होगा इसमें। आगे बात करते हैं, वह योजना जिसमें केवल फुव्वारा पद्धति से सिंचाई का प्रावधान है, किसमें फुव्वारा पद्धति से आप सिंचाई कर सकते हो? नर्मदा नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गजनेर नहर परियोजना। तो नर्मदा नहर परियोजना से जो पानी की सप्लाई खेतों को होती है केवल उसमें आप फव्वारा लगाकर ही पौधों को पानी पिला सकते हैं, खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंचाई का प्रावधान फव्वारा पद्धति से नर्मदा नहर परियोजना के माध्यम से किया जाता है। जवाई बांध से कौन लाभान्वित नहीं होगा? सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर या फिर राजसमंद जिला? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? तो बाड़मेर को यहाँ पर जवाई बांध का लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इससे ये लाभान्वित नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना किस रियासत में प्रारंभ हुई थी? शाहपुरा रियासत, बीकानेर रियासत, कोटा रियासत या फिर झालावाड़ रियासत के अंदर? ये बीकानेरी रियासत के अंदर जो प्रथम नहर सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? कोणा गाँव, गंगानगर से, सीतावाली, हनुमानगढ़ से, हिंदूमल कोट गंगानगर से या रावतसर हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है, ठीक है। हमें ये तो पता है कि हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, लेकिन हनुमानगढ़ में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, मसीतावाली हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, इसका प्रवेश द्वार हो गया। और लास्ट क्या हो गया? हम लोग बोल सकते हैं लास्ट जो अंतिम पॉइंट हो गया वो इसका
बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे IGNP से बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, आप जल्दी से इसको पूरा कंप्लीट कर लें, क्लियर कर लें, कहाँ से क्या शुरू होती है, किस किस स्टेट को ये लगती है। भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लोराइड से प्रभावित हो चुका है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य जो है राजस्थान है। अगला प्रश्न है, इसकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ बताया जाता था कि पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करते थे काफ़ी समय पहले, तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है वहाँ पर। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे माना जाता है, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, तो जो जवाई बांध है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ सिंचाई परियोजनाओं को आपको यहाँ पर बताना है और सही क्रम आपको बताना है। पोंग बांध जो है वो चंबल नदी पर है, सिद्धमुख जो नहर है वो यमुना नदी के ऊपर है, मैंजा बांध खारी नदी के ऊपर है, और बीसलपुर बांध जो है बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। आपको बताना था कि सही स्टेटमेंट इन चारों में से कौन सा है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको ये देखना है कि इसमें यदि गलत होते हैं तो गलत क्यों हुए हैं। पोंग डैम जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो पोंग डैम जो है आपका व्यास नदी के ऊपर है। आप इसको अपने शायद इसको और नाम से भी सुना होगा, इसका एक और नाम महाराणा प्रताप सागर भी इसे बोला जाता है। सिद्धमुख जो नहर है वो यमुना नदी के ऊपर नहीं है, वो हम लोग बोल सकते हैं भाखड़ा नागल जो है इसके ऊपर है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका सिद्धमुख नहर यमुना नदी वाला गलत हो गया। मैजा बांध जो है ये कोठारी नदी के ऊपर है, जो कि भिलवाड़ा में है, भिलवाड़ा ज़िले में है, ठीक है, तो ये खारी नदी नहीं है, ये कोठारी नदी है, यमुना नदी नहीं, भाखड़ा नागल परियोजना के अंदर आपकी सिद्धमुख नहर आती है, इसको पानी वहाँ से मिलता है, ठीक है। और पोंग बांध जो है व्यास नदी को, इसे महाराणा प्रताप सागर डैम भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, और बीसलपुर बांध बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, ये आपका कम्प्लीटली राइट है, ठीक है। तो सही क्रम को आपको चुनना था, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, पोंग बांध व्यास नदी सिद्धमुख नहर के आगे, यदि इसने भाखड़ा नागल परियोजना लिखा होता तो वो बिल्कुल ठीक होता, और मेजा बांध जो है आपका कोठारी नदी जो कि भिलवाड़ा में है। अगला प्रश्न देखें, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो ये आपको सुनने में आया होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का न्यू नेम है, ओके। आगे बात करते हैं, भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर स्थित है, सवाई माधोपुर के अंदर, कोटा के अंदर, टोंक के अंदर, या फिर झालावाड़ के अंदर, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, तो ये झालावाड़ की योजना है, भीमसागर छापी सिंचाई परियोजना कालीसिंध परियोजना सबकी सब झालावाड़ की परियोजना है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा झीला है, अभी अभी हमने देखा था ना हनुमानगढ़ प्रवेश झीला है, एंडिंग पॉइंट क्या है, बाड़मेर है, तो यहाँ पर से अगेन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़। अगला प्रश्न देखना है, सिंचाई परियोजना और उससे संबंधित झीलों का कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है, मतलब आपको गलत युग्म बताना है, गलत परियोजना बतानी है, ठीक है। कालीसिंध परियोजना उदयपुर में है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, जवाई परियोजना पाली की है, और कोठारी परियोजना भिलवाड़ा की। अच्छा, किस की चीज़ों को लेकर आप श्योर हैं, कोठारी को लेकर आप श्योर हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था भिलवाड़ा में, ठीक है, जवाई परियोजना पाली की और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले की, ठीक है, जाखम बांध, तो इन तीन चीज़ों को लेकर श्योर हैं। कालीसिंध परियोजना जो है झालावाड़ की, ये उदयपुर की नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन, क्योंकि यहाँ पर उदयपुर नहीं है, यहाँ पर उदयपुर की जगह इनको लिखना था झालावाड़, ठीक है, समझ में आया क्यों हमने झालावाड़ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसमें आपको बताना है सिंचाई परियोजना और कौन कौन से राज्य उसको लगते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है ABCD कोड में इसको अरेंज करना है कि कौन सी परियोजना किस राज्य को लगती है, क्योंकि ये सारे राज्य हैं आपके, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ हो गया है। आप अच्छे से देखिए, चंबल परियोजना किन राज्यों को सुविधा प्रदान करती है, चलिए क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, अच्छे से आप इसमें कोड को अरेंज कर सकते हैं, एक या दो भी आपको पता है तो आप आसानी से इसको अरेंज कर लेंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वन होगा, यानी कि जो कोड बनेगा वो बनेगा 2, 3, 4 और 1, यानी कि चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, माही सागर परियोजना की बात करेंगे तो ये राजस्थान व गुजरात, इसको अभी हमने डिस्कस किया ही था, है ना। व्यास परियोजना जो है वो पंजाब हरियाणा व राजस्थान जो राज्य है यहाँ पर अपनी सुविधा देगी, मतलब सिंचाई परियोजना और इसमें काम आएगी, और सिद्धमुख परियोजना की बात करेंगे तो ये पंजाब और राजस्थान को लगती है, ठीक है। मतलब चंबल परियोजना कहाँ की हो गई,
राजस्थान और मध्य प्रदेश की हो गई, माही बजाज परियोजना राजस्थान व गुजरात की है, राइट। दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इससे रिलेटेड। व्यास परियोजना की बात करेंगे तो ये पंजाब और राजस्थान की है। सिद्धमुख परियोजना की, सॉरी, ये यहाँ पर हो जाएगी पंजाब व हरियाणा व राजस्थान की, और सिद्धमुख परियोजना जो है वो पंजाब और राजस्थान की हो जाएगी। तो 2, 3, 4 और एक आपका यहाँ पर कोड बनेगा, 2, 3, 4, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगेन आपको कुछ कोड यहाँ पर अरेंज करने हैं जिसमें आपको दिया गया परियोजनाएं और उससे संबंधित जिले। अब की बार राज्य नहीं है, थोड़ा और डीप में जाते हुए हमें जिलों के बारे में बताना है। तो बाकली जो डैम है, सोम कमला अंबा जो है ये परियोजना, ये मोरला बांध और ये जाखम बांध। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा कहाँ पर है। एक दो के बारे में तो आपने ऑलरेडी अभी पढ़ लिया है तो आप आसानी से इसमें कोड बना पाएंगे। चलिए आंसर करेंगे 67 को, देखियो और आंसर करिए क्या बनेगा। देखो एक कभी हमने पढ़ा था जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में, तो क्या हम लोग ये कोड अरेंज कर पा रहे हैं। जाखम बांध मतलब डी का जो कोड है वो 1 होगा, मतलब ये जो द है इसका जो कोड है वो 1 होगा। तो कौन सा आंसर आपको यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। सिर्फ एक ही में यहाँ पर अरेंज कर रखा है, मतलब बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 3, 4, 2 और 1। अब आप यहाँ पर इसको अरेंज करें। बाकली बांध परियोजना जो है जालोर की है, यानी कि इसका आंसर 3 हो गया। सोम कमला अंबा जो है ये कहाँ पर है, ये डूंगरपुर में, तो ये 4 हो गया। मोरल बांध जो है आपका सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही है, तो ये आपका 2 हो गया। ठीक है, और जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ जिले में, तो ये आपका 3, 4, 2, 1 इस तरीके से कोड अरेंज हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर है। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। विद्युत उत्पादन, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और सिंचाई या उद्योगों को जल आपूर्ति करना। तो जो बेसिकली कोटा बैराज को बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई करना, मतलब सिंचाई का ज़्यादा से ज़्यादा करके यहाँ पर जो कृषक है उनको यहाँ पर खेती में फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर जो मेन उद्देश्य उसका था कृषि, सिंचाई करना इसका मेन उद्देश्य यहाँ पर माना गया था। ठीक है, कृषि के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना है निम्न को सुमेलित कीजिए, वही कोड वाला क्वेश्चन। इधर आपके बांध और इधर आपके जिले, गागरीन बांध, गराडा बांध, मोरा सागर बांध और टोकरा बांध। कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है ये आप अरेंज करेंगे। चलिए इसको देखेंगे। गागरीन बांध कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ के अंदर हम लोग बोल सकते हैं। 4 बिल्कुल सही होगा। 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 4, 1, 3, 2 करके। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 4, 1, 3, 2। अब गागरीन जो बांध है वो झालावाड़ के अंदर स्थित है, गराड़ा जो बांध है वो बूंदी के अंदर स्थित है, हम लोग बोल सकते हैं 1 करेक्ट होगा। मोरा सागर जो बांध है वो आपका बिल्कुल सामने सही लिखा हुआ है, सवाई माधोपुर के अंदर, और टोकरा जो बांध है वो सिरोही के अंदर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट कोड आपने बनाया वो बनाया ऑप्शन नंबर डी को। गागरीन बांध कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ के अंदर, गराड़ा बूंदी के अंदर, मोरा सागर सवाई माधोपुर, और टोकरा जो है आपका सिरोही के अंदर स्थित है, सिरोही जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन आपका वही है, कुछ लिफ्ट परियोजना है आपकी बार। ठीक है, कुछ IGNP की लिफ्ट परियोजना यहाँ पर दी गई है और आपको बताना है कि कौन से जिले को पानी की पूर्ति यहाँ पर की जा रही है। कवरसिंह लिफ्ट परियोजना आपको कौन से जिले को पानी की पूर्ति देगा वो आपको बताना है। ठीक है, फिर गधेली साहब लिफ्ट परियोजना, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। ठीक है, और अगला है आपका गजनेर लिफ्ट परियोजना। तो आप 1 बाय 1 करके आंसर करेंगे कि कौन सी किसको पूर्ति करेगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, कवरसिंह लिफ्ट परियोजना IGNP का हिस्सा, ये किसको लिफ्ट किसको पानी की आपूर्ति करेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये करेगा बीकानेर को, मतलब कि ए का जो आंसर होना था वो बीकानेर होना था। 4 कहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, शुरुआत में वही आता है, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर आता है। ठीक है, तो ये बीकानेर को आपूर्ति करेगा पानी की। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 4, 3, 2, 1 बनेगा, क्योंकि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर करना है कवरसिंह लिफ्ट नहर परियोजना बीकानेर को जो है पानी की आपूर्ति कराती। गंधेली साहबा जो है लिफ्ट परियोजना ये किसको पानी की आपूर्ति करवाएगी, ये चीरू को करवाती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो 3 है। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना जो है आपके जोधपुर को करवा रही है, तो इसका आंसर 2 करेक्ट है। और गजनेर लिफ्ट परियोजना जो है नागौर जिले को पानी की पूर्ति करवा रही है। ठीक है, तो 4, 3, 2, 1 जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट राइट कोड है। ठीक है, 4, 3, 2 एंड 1। आगे बात करते हैं भीलों का जो गौरी नृत्य। अब कुछ क्वेश्चन नृत्य और लोकगीत से हम लोग कंप्लीट करेंगे।
बीलो का जो गवरी नृत्य, उसका एक और नाम क्या है? उसका एक और नाम होता है राई, है ना? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर करना है ऑप्शन नंबर बी। बीलो के गवरी नृत्य जो होता है जिसमें भगवान शिव और पार्वती का दिखाया जाता है, ठीक है, तो गवरी नृत्य को एक और नाम जाना जाता है राई के नाम से। तेरहल ताली जो है नृत्य में किस लोक देवता जो है जिनका यशोगान किया जाता है, उनके गीत गाए जाते हैं, तो ये बाबा रामदेव जी से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि इस नृत्य में किस देवता का यशोगान करते हैं, तो बाबा रामदेव जी का किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। बम नृत्य का संबंध किससे होता है? सबसे पहले बम क्या होता है? नगाड़ा जो ढोल होता है उसे बम बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो नृत्य होता है इसका संबंध किस राज्य से, किस जिले से है? राज्य तो सारे आप यहाँ पर राजस्थान ही लगाएंगे, ठीक है। कौन से जिले से है? तो आप अलवर यहाँ पर लगा कर आएंगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर वन होगा। चलिए आगे बात करते हैं, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पर बम का अर्थ क्या होगा? तो अभी हमने देखा था बम का अर्थ होता है ढोल नगाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कोई फसल नहीं है, ये कोई ग्रुप नहीं है लोगों का, पुरुषों का, और ये भगवान शिव का उच्च स्वर भी नहीं है, ये एक प्रकार का नगाड़ा होता है। इस प्रकार का नृत्य किया जाता है जो कि अलवर भरतपुर में यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है? मतलब कौन से नृत्य को यहाँ पर स्नेक चार्मर डांस, स्नेक मतलब सांप जो होता है, उस चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? कठपुतली, भवाई, घूमर या फिर कालबेलिया। जैसे ही आपको स्नेक दिखाई की चीज़ आपको क्लिक करी होगी ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो कालबेलिया ही नृत्य जिसे स्नेक चार्मर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नृत्य के, किस लोक नाट्य के प्रमुख पात्र हैं? देखो राई बुढ़िया जिसमें जो राई बुढ़िया होती है वो शिव का पात्र निभाते हैं, और जो राई माता होती है वो पार्वती होती है, ठीक है। तो ये दोनों पात्र जो होते हैं किसके हिस्से होंगे, किस लोक नाट्य के? तो ये दोनों के दोनों हिस्से होते हैं गौरी के। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें राई बुढ़िया शिव का पात्र और राई माता पार्वती पात्र यहाँ पर निभाते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वन है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ आपको नृत्य दिए गए हैं और कौन सी जाति उस नृत्य को करती है ये बताना है। राई नृत्य कौन करते हैं ये आप बताएंगे, मादल नृत्य, चरी नृत्य और तेरह ताली नृत्य, ठीक है। तो इसको कोड को अरेंज करिए। देखो अभी हमने किया था कि जो राई नृत्य है ना वो भील लोग करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या ये अरेंज कर पाए कि राई जो है वो भीलों के लिए होगा? तो यहाँ पर आप इसका मतलब पहले का आंसर आप लोग यहाँ पर सी कर रहे हैं, सी मतलब कि थ्री कर रहे हैं। तो थ्री आपको कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3, 4, 1 और 2, ठीक है। अब राई नृत्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ है, भीलों के द्वारा। तो यहाँ पर आप भील लिख दीजिए या फिर आप इसको कोड को ही लिख दो, तीन यहाँ पर करेक्ट है। और जो मांदल नृत्य किया जाता है वो गरासिया जाति करती है, इसका चार आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चरी जो नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और तेरह ताली जो बाबा रामदेव जी के यशगान में गाया जाता है वो कौन सी जाति यहाँ पर करती है, वो कामड़ जाति करती है, तो यहाँ पर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कोड आपको क्या अरेंज करना था, 3, 4, 1 एंड 2। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला लोक नृत्य इन चारों में से कौन सा है? तो वाला नृत्य एक ऐसा नृत्य होता है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के यहाँ पर गाया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना है वालर नृत्य। अलबक्षी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है, करौली के अंदर, चिड़ावा के अंदर, अलवर के अंदर या फिर चित्तौड़ के अंदर? क्या आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा? तो ये अलवर की प्रसिद्ध शैली है अलबक्षी ख्याल, तो हम लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर में शामिल किया गया था? तो सबसे फेमस है राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, तो इसी को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जसमा ऑर्डर का संबंध किस नाट्य विधा से है? जसमा ऑर्डर की यदि हम लोग बात करें तो ये भवाई नृत्य से संबंधित है, और ये एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य होता है। व्यावसायिक नृत्य की एक कैटेगरी होती है जिसमें लोग इस नृत्य को करके अपनी जीविका का पालन करते हैं, मतलब वो कमाई वाला साधन इसको बोला जाता है, किसको, भवाई नृत्य को। इसमें कई प्रकार के लाइक शिव पार्वती का नाट्य किया गया, कभी हीर राजा का, ढोल मारू का, इस प्रकार से किए जाते हैं। तो जसमा ऑर्डर का संबंध कौन सी प्रकार की नाट्य विधा से, तो ये भवाई से संबंधित है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रचलित है? गेर की यहाँ पर बात की गई शेखावटी आदिवासी डांग या फिर मेवात से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ये आदिवासी जनजाति का है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा नृत्य जो है जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय जो इसके अनुयायी कौन से नृत्य को परफॉर्म करते हैं? तो ये अग्नि नृत्य यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, अग्नि नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 का, अलबक्षी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो हमने अभी देखा था ये अलवर में प्रचलित है, ठीक है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो गौरी नृत्य, इसे आप मेरू नाट्य के नाम से भी जान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? ये इस तरीके से आपने देखा होगा ना, इस तरीके का डांस होता है, तो ये भी एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य की कैटेगरी में आता है। व्यावसायिक नृत्य वही अपनी जीविका का पालन करने के लिए, ठीक है, केवल पुरुष केवल महिलाएं दोनों या फिर केवल घोड़े करते, तो ये केवल पुरुष इस प्रकार का नृत्य करते जिसे कच्ची घोड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन, केवल पुरुष ही इस प्रकार का नृत्य करते जिसे कच्ची घोड़ी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है आपको? तो एक तो आपको ढोलक चाहिए होता है और एक आपको मंजीरे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो वीणा की आवश्यकता नहीं होगी और ढोलक के साथ साथ आपको बजाने के लिए मंजीरे भी चाहिए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, तुर्किलंगी लोकनाट्य के रचनाकार कौन है? नानूराम, शाहली, तुक्कनगीर, लच्छीराम या फिर इलिया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, शाहली और तुक्कनगीर जो है यहाँ पर आपका जो तुरंग किलंगिरी है इसके रचनाकार यहाँ पर माने जाते हैं। कच्ची घोड़ी क्या है? एक प्रकार का सामुदायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, उत्सव नृत्य या पूजा नृत्य से यहाँ पर माना जाएगा। ये व्यावसायिक नृत्य, ये डांस करेंगे फिर लोग इनको पैसा देंगे, मतलब इनके कार्य की सराहना करने के लिए इन्हें पैसा दिया जाता है, तो एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य होता है, ये कमाई का साधन माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य आपको कौन सा देखने को मिल सकता है? गंधर्व, गौरी, भवाई या फिर रम्मत करके? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, गौरी करके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, गौरी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, अब कुछ नृत्य की बात करेंगे। पहली जो राजस्थानी फिल्म थी उसका नाम क्या था? निजरानो, जिसे आप नजराना बोल सकते हैं, है ना, सामान्य लैंग्वेज में। बाबा सारी लाडली, बाई चली सासरिया, म्हारी प्यारी चनड़ा। तो पहली जो फिल्म आई थी 1942 में आई थी, राजस्थानी फिल्म 1942 में आई थी, इसका था नजरानो, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल करेक्ट है। और सेकेंड आई थी आपकी 1961 के अंदर, जो थी बाबा सारी लाडली, ठीक है। और लास्ट आपकी 2020 में आई थी आई थिंक, जो थी आपकी रीति रिवाज। चलो तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा फिलहाल प्रथम राजस्थानी फिल्म निजरानो करके। आगे बात करते हैं, लोक संगीत नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? रम्मत, नौटंकी, तुर्राक लंगी या फिर गौरी? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा 92 का, तो नौटंकी बहुत प्रचलित है लोक संगीत नृत्य नृत्य और नाट्य की विधा जो कि पूर्वी राजस्थान से है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे, आंसर करेंगे। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की जो है गुलाबों का संबंध किससे है? ये गेर नृत्य से, मतलब ये गेर नृत्य करती है कालबेलिया, ये वालर नृत्य करती है जो बिना वाद्य यंत्र के परफॉर्म किया जाता है, उमर नृत्य जो कि ढोल और मंजीरा के साथ परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इन्हें यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। ये प्रसिद्ध है कालबेलिया नृत्य के लिए, राइट, ये कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कालबेलिया नृत्य के लिए गुलाबो यहाँ पर प्रसिद्ध है, कालबेलिया नृत्य इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मोरिया गीत किससे संबंधित है? विवाहित महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, बालिकाओं से या इनमें से कोई नहीं? तो मोरिया जो गीत होता है वो बालिकाओं से संबंधित होता है बेसिकली। आई थिंक आपने ये सुना भी होगा बहुत सारी जगह, काफ़ी प्रसिद्ध है ये वाला गीत, मोरिया आछो बोलियो नी ढलती शाम मा, है ना, ये वो वाला गीत है। इसमें ऐसा होता है कि जिनका विवाह जो है फिक्स हो चुका है कि मतलब इनका विवाह इनके साथ होगा, लेकिन शादी में थोड़ा सा समय है, तो वो उस विरह में उस याद में जो है लड़कियां इस गीत को गाती है जिसे मोरिया गीत के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी से, है ना, यानी कि बालिकाओं से ये संबंधित है, अपने प्रियतम की विरह में मोरिया गीत को यहाँ पर गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर है। रतवई नृत्य किससे संबंधित है? नागौर जिले से, जोधपुर से, बाड़मेर से या फिर अलवर से? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, अलवर से ये
संबंधित है कौन सा रत वही नृत्य। ओके 96 की बात करते हैं, सो कली का घाघरा किस नृत्य से संबंधित है, चक्री से, चरी से, मछली से या मयूर से। ये जो नृत्य है ये किससे संबंधित है, सो कली रो घाघरो आपने सुना हो कभी, तो ये संबंधित है चक्री से, ये चक्री नृत्य होता है, एक वही राउंड राउंड घूमने वाली बात है, सो कली रो घाघरो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द्विचक्री नृत्य प्रचलित है कंजर, कथोड़ी, मेव या भीली में, तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 97 का, ये भील नृत्य है, ठीक है, भील में प्रचलित है ये द्विचक्री नृत्य होना, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, द्विचक्री नृत्य को लेकर भील प्रसिद्ध है। बिना किसी वाद्य यंत्र के बजाया जाने वाला क्या आंसर आपका करेक्ट होगा, अभी हमने किया था वालर, आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है नृत्य। व्यावसायिक नृत्य का हिस्सा कौन सा नहीं है, भवाई, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी या फिर गौरी, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कौन सा इसका हिस्सा यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी सारे जो है आपके व्यावसायिक नृत्य के हिस्से हैं, मतलब जीविका का साधन हम लोग इसे यहाँ पर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे, टोंक में प्रचलित पठानी मूल की लोक नाट्य जिसमें कव्वाली के समान घुटनों के बल बैठकर गीत गाया जाता है, उसका नाम क्या है ना, चारबीत हो सकता है, कन्हैया हो सकता है, हैल हो सकता है या फिर ठप्पाली हो सकता है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन चारबीत जो है प्रचलित पठानी मूल जिसे कव्वाली करते हैं ना वो तालियां बजाकर घुटनों के बल बैठकर, तो ऐसे ही चारबीत प्रथा के अंदर, चारबीत लोक नृत्य के अंदर भी इसी प्रकार का परफॉर्मेंस दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तमाशा लोक नाट्य विधा को किसने प्रोत्साहित किया था, किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया था, प्रताप सिंह, जय सिंह, माधो सिंह या फिर ईश्वर सिंह के द्वारा, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने 101 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, आई थिंक आपका एक कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर हो गया होगा, यदि आप इसी तरीके के और भी सेशंस चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करें ताकि इसी तरीके से हम लोग और भी सेशंस यहाँ पर कंप्लीट कर पाए और कंप्लीट रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर पाए, ओके। और जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं या कंप्लीट थ्योरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं 77708038 40 पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक एंड वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ थ्योरी नोट्स चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वेबसाइट के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.globalworldacademy.com पर, राइट, इस पर विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कोई भी डाउट आता है तो आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।